सत्य के साथ। बाजरे से बनी हुई एक दो नहीं बल्कि 151 डिशें यहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने आप में एक आइडिया ऐसा है जो पहाड़ की जो खाद्य है, यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देता है, तब जब हमारा यूथ जंक फूड्स की ओर बढ़ रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल पर्यटन विभाग का है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में अगर पहाड़ के उत्पादों को इस तरह से शानदार तरीके से पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर, जो इनोवेटिव आइडियाज़ है यहाँ पर एचएम का, ये अपने आप में बेहतरीन है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जब उन्हें यह खाद्य मिलेगा तो जंक फूड से दूर जाएंगे निश्चित रूप में। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो हम मना रहे हैं 2023 में, उसके लिए बहुत बढ़िया ये अभिनव प्रयास है, जिसके अंदर 151 जो बाजरा की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो डिशेज हैं बनाई जा रही हैं और जनता के आगे रखी जाएंगी, और इससे काफ़ी लोगों के अंदर जो है उनके टेस्ट के मुताबिक, उनके स्वाद के मुताबिक प्रोडक्ट जो है डेवलप हो रहा है। मैंने आग्रह किया इनसे कि आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट हो, उसके साथ साथ डायबिटिक भी हो, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, तो इस चीज़ को भी हम देखें। और मैं समझता हूँ जो बच्चे जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, अब वो आकर्षित होंगे हमारे भारतीय व्यंजन की तरफ, हमारे भारतीय भोजन की तरफ। और बाजरा अपने आप में ग्लूटेन फ्री है, तो इसके साथ जो ये प्रयोग कर रहे हैं ये अपने आप में स्वास्थ्यवर्धक है। टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं और आप दुनिया घूमते हैं, आपने कहा जब आप दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड हैं उसके खाते हैं, और आप यहाँ जिक्र करते हैं उसका कि बड़ा ही लजीज होता है। उत्तराखंड के जो फूड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए, यानी कि यहाँ से जो स्वाद है वो दुनिया में फैले, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी जो हमारी जो मंडवे की रोटी है और हमारी कंडली की जो भुज्जी है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे पंजाब के अंदर आपने देखा होगा मंडवे की रोटी और वहाँ के सरसों का साग होता है, इसी प्रकार से बहुत सुंदर टेस्ट हमारी मंडवे की रोटी का है और कंडली की भुज्जी का है, जिसे इंटरल ग्रास कहते हैं, तो इसको भी हम प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। बाकी हमारे बहुत से डिशेज़ हैं, आज हमारे झंगोरे की खीर जो है एयर फ्रांस के अंदर नंबर हिट है, नंबर वन है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि नई नई डिशेज़ मिले, नए नए व्यंजन मिले, नए नए हमें खाद्य पदार्थ खाने को मिले, तो उसके अंदर हमारे उत्तराखंड का बहुत बड़ा अहम रोल है। आखिरी सवाल, आपने कहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया इस बार चारधाम यात्रा, जैसे कि हमने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, बड़ा उत्साह होगा अगर ये कामयाब हो जाता है, किस तरह से इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए? नहीं, इसके लिए पूरे हम संकलन कर रहे हैं और हम संपर्क कर रहे हैं लिम्का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो सिस्टम है और जो गिनीज बुक का सिस्टम है, जो जो उनकी आवश्यकताएं होंगी वो सूचना सप्लाई की जाएगी और हम चाहेंगे कि इनमें हमारा नाम दर्ज हो। उत्तराखंड के जो पारंपरिक खाद्य हैं वो हवाई जहाज में उड़ान भरेंगे, स्वाद देश भर में जाएगा, ये कहना पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का है। उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड में इस तरह का स्वाद बना रहे हैं वो बच्चे हैं, जो दुनिया भर में यहाँ के स्वाद को पहुँचाने के लिए अलग अलग वेराइटी के आइटम बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज देहरादून में 151 तरीके के आइटम बनाए गए, वो भी बाजरे से। जी हाँ, बाजरे से बना हुआ ये सारा आइटम आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चुनौती देती हैं जंक फूड्स को, उन खानों को जो पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में आपको जगह जगह मोमोज, चाउमीन, बर्गर और तमाम तरह की जो डिशें होती हैं, जिसे डॉक्टर भी कहते हैं कि वो हाइजीनिक नहीं है, वो नुकसानदेह है यूथ के लिए। ऐसे में पहाड़ की इस खाद्य पदार्थ को जब सामने लाया गया है तो उम्मीद जताई गई कि ये चुनौती देगा जंक फूड्स को, क्या कोशिश की है आप लोगों ने? सर, हमने ये कोशिश करी है, जैसे कि आजकल जो सारा एज ग्रुप है वो बेसिकली फिटनेस की तरफ जा रहा है, सो हमने क्या करा है, तो अपने ये हमारे लिए एक अच्छा टाइम था कि अपने उत्तराखंड के जो हमारे मिलेट्स वगैरह थे उनको लाइम लाइट में लाने का। हमारी अप्रोच ये थी कि जैसे हमारी जो नॉन डिशेज हैं जो चलती हैं, लेकिन जो मिलेट्स का जो टेस्ट होता है वो अडेप्ट करने में टाइम लगता है, उसके लिए पैलेट बिठाना पड़ता है, तो हमारा ये था कि हम कैसे उनको इम्प्रोवाइज़ करें और धीरे धीरे अपने जो नॉन फूड है उसमें लेके आएँ, ताकि हमारा पैलेट भी उस हिसाब से मिलेट्स के लिए सेट हो जाए। तो हमारा ये चाहता था कि जो पॉपुलर डिशेज हैं जो लोग खाते ही हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उनमें हम कैसे लाएँ और उनके बेनिफिट्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे उनमें से लें। जैसे कि मैंने बनाया है ज्वार की मठरी, क्रैकर्स बनाए हैं रागी के, और जैसे मेरे दोस्तों ने ये बाजरे का शाही टुकड़ा, गुलाब जामुन, बाजरे की गुजिया, खीर बनाई है काफ़ी सारी, तो ये काफ़ी सारे आइटम्स हैं, ब्रेड्स हैं, टार्ट्स हैं, जो कि बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हमने काफ़ी सारे बनाए हैं। मिलेट की जो खोई हुई साख है
हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हेल्दी फूड के बारे में पता चले कि पीछे पहले क्या होता था। जब आजकल तो गेहूं है और चावल है वही स्टेपल बन चुका है, पर मिलेट की जो चीज़ें हैं वो खोती जा रही हैं, तो हमारा काम है कि उसको रिवाइवल लाना, क्योंकि इट्स अ हेल्दी फूड, कहीं पे भी हो जाता है। तो लोगों को वो टेस्ट भूल चुके हैं, तो हम आज के टेस्ट के साथ, आज के डिशेज़ के साथ वो पुराना टेस्ट उनको मिलेट के द्वारा देना चाहते हैं। तो हमने सारे मिलेट पकड़े हैं जो उत्तराखंड में हैं, चाहे वो रागी हो, चाहे मंडुआ हो, चाहे वो चौलाई हो, चाहे वो और तरह के, हमने काफ़ी सारे चार तरह के ज्वार हो, बाजरा है, इन सब के लिए हमने मल्टीपल डिशेस बनाई हैं जो आज के टाइम पे बच्चों को अच्छी लगती हैं, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो मोमोज हो, चाहे वो बंस हो, चाहे वो ब्रेड्स हो, इंटरनेशनल ब्रेड्स भी हमने कवर किए हैं, हमने केक्स कवर किए हैं और वाइड स्प्रेड दिया है। 151 डिशेज हमने इस बार उसमें मिलेट के मिली जुली हमने निकाली हैं, कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं, तो ये मिक्स बैग है, इसमें फ्यूजन भी इन्वॉल्व है और जो पुराना ओरिजिनल था वो भी इन्वॉल्व है। सत्य के साथ।